और उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकाएं सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी कुछ समय पहले, आज रविवार का दिन, माइक तो लगाओ इनका, तो लगाओ ना इसे, विश्राम का दिन होता है वैसे, तो इन्हें थैलों को कुछ रख दो कि एक गांव में जाना है, वहाँ एक समारोह किया गया है। दे दो इसे किसको, इधर को ले दो। तो एक कहावत है, आ अब लौट चले, कहाँ, अपने पुराने घर, अपनी संस्कृति, अपना जो घर होता है, जो हमारी संस्कृति यहाँ समाई हुई थी, समस्त जम्बूद्वीप उस समय ये थाई, बर्मा, भारत, ये सब एक ही था। यहाँ पूरा बुद्धिज्म था, सभी बौद्ध धर्म को धारण करने वाले लोग रहते थे। आज सिर्फ नाम मात्र के लिए हम बौद्ध हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बौद्ध जो हैं, परंपरागत, वो कहाँ हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं, म्यांमार में पाए जाते हैं, बर्मा है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जापान, चाइना, इतने देश जो ट्रेडिशनल बौद्ध हैं, जिनके बाबा, जिनके दादा, उनके भी दादा वो बौद्ध थे। आपका ये अवसर कब मिला? जब बाबा साहब ने 1956 में जब आपको धम्म दीक्षा दी, उस समय से आप बौद्ध हैं, लेकिन वो भी क्या है, चाल चलन में बौद्ध है। आपको भी ट्रेडिशनल बनना होगा, आपके बच्चों को बौद्ध बनना होगा, आपके पूर्वजों को बौद्ध बनना होगा। बौद्ध बनने के लिए पुराने जो पूर्वजों के दिए गए संस्कार हैं, उनको त्यागना होगा। ये संस्कार नहीं कि करुणा मित्रता जो रखते हैं हम एक दूसरे से, ये नहीं छोड़ना, ये तो बढ़ाना है। जो हमारे पूर्वज करते आए, कहीं गंगा नहाते हैं, कहीं चटके बटके पूजने जाते हैं आदि, बड़ा शांत हमारा समाज कहाँ अटके पड़ा है, उसको त्यागना चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं को बहुत ध्यान से अनुपालन करना चाहिए। कितने लोग हैं हमारे जो इस गांव में 1990 से बाबा साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं? बाबा साहब क्या चाहते थे आप लोगों से? कितने लोग उस मार्ग पर हैं? गंगा नहाने कौन जाता है? हाथ उठा दीजिए ईमानदारी से, कोई जाता है? नहीं, कोई नहीं जाता। बहुत बढ़िया। कोई हमारी माताएं या बहनें, अच्छा गंगा यहाँ चलती है? नहीं चलती होंगी ना, अरे जाते भी हैं? चलिए कोई नहीं जाता। कितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो भैया दो के लिए जाती हैं, या व्रत होता है वो कौन सा, करवा चौथ व्रत, कितने लोग रखते हैं? पति की उम्र ज़्यादा हो जाए ऐसा, मतलब पति की उम्र ज़्यादा कर रहे हो लेकिन अपनी नहीं कर रहे ना। बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिया, महिलाओं को भी अधिकार नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार, ना घर से बाहर निकलने का अधिकार, ना ही नौकरी में अधिकार, ना ही पढ़ने, कुछ भी अधिकार नहीं था। उनके लिए घर में रहना होता, घर में उनके लिए बनाओ और खिलाओ, ये था। लेकिन आज उन्हीं मनुष्यों की तुम उम्र की वो बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ सकती है उम्र इस प्रकार से? तो ये एक अविद्या है, इसे त्यागना होगा। गंगा नहाना त्यागना होगा, जितने भी कर्मकांड अंधविश्वास हैं उसको सब त्यागना होगा, मूर्ति पूजा को त्यागना होगा, क्योंकि पैसा जो है ना बहुत मेहनत से कमता है।
एक तो हम वैसे ही अन्य लोगों से मुझे लग रहा है 100-200 साल पीछे चल रहे हैं। हम तो लोग 200 साल आगे और हम 200 साल पीछे। हमारे जो टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कितना लोग आगे बढ़ गए, हम फिर वहीं हैं। तो आप खुद बताइए बच्चों, क्या इससे हम आगे बढ़ सकते हैं? अंधविश्वास से अंधविश्वास में लगे रहें, जो बाबा साहब ने बताया उस कार्य के लिए ना करें। बताइए माताएं बहनें, बताएं बढ़ सकते हैं क्या? लेकिन उसको त्याग दीजिए इतने जल्दी से जल्दी। संस्कृति हमारी ये नहीं कहती है, संस्कृति को आप पढ़िए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी संस्थापक कनिंगम ने यहाँ देखा कि ये क्या है, ये ऊंचे ऊंचे टीले हैं। जब ब्रिटिश काल था यहाँ, जब मुगल काल जाता है ब्रिटिश काल आता है, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई माल होगा, खजाना होगा। उन्होंने उसकी खुदाई की और बौद्ध संस्कृति उससे स्वयं जमीन गवाह दे रही है। आप बोध गया का देख लीजिए, बोध गया है, कपिल वस्तु है, सारनाथ है, लुम्बनी है, और आपका संकिसा है, कितने तमाम महातीर्थ स्थल जहाँ पूरा जम्बूद्वीप बुद्ध में था। और पहली एक बात और, वो लोग कितने माइंडेड रहे होंगे जिन्होंने इस संस्कृति को नष्ट किया। इस संस्कृति को नष्ट करने के बाद अपनी संस्कृति को फैला दिया और उस संस्कृति के आप खुद आज गुलाम बन गए। और सुन, स्वयं से वही कर रहे हैं वो जैसा वो चाहते। तो पहले तो आप लोगों के लिए ब्रिटिश काल का बहुत शुक्र गुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक लेख वहाँ भी पाया है जहाँ सम्राट अशोक अपने 20वें राज्य काल के 20वें वर्ष में वहाँ आते हैं। वहाँ लिखा है कि इस कपिल वस्तु का जो कर है, कर होता था पहले गुजारी, माल गुजारी देने पड़ती थी किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए। तो उन्होंने वहाँ पाया कि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, इसी के लिए मैं यहाँ का कर 1/8 गुना करता हूँ। उस राजा ने ऐसा किया, क्या आज का राजा वैसा कर रहा है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया यहाँ और विश्व गुरु बने, ये देश विश्व गुरु बना। जहाँ जहाँ बौद्ध महातीर्थ हैं यहाँ का राजा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं योजनाएं देता है कि नहीं देता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। हमें तमाम इन कुरीतियों को त्यागना चाहिए, तभी आपकी प्रगति संभव है। अन्यथा आप लोग वैसे ही काफी पीछे चल रहे हैं। तो आज इस समारोह में सभी लोग उपस्थित हैं, तो इसमें जी खड़े हो जाओ, सॉर्ट आउट किए हैं। आवाज कम आओ, उधर महिला हो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, सबको आ रही है? पूरी आवाज आ रही है? नहीं, ठीक है, बैठी सही। तो मैंने कुछ पॉइंट सॉर्ट आउट किए हैं, अभी मुझे पता चला मात्र 1-2 घंटा हुआ होगा, तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी स्वार्थी विश्वविद्यालय से मैं PhD कर रहा हूँ और मेरा विषय है। तो आज संडे का दिन था, मैंने कहा चलो विश्राम करूँगा, एक प्रोग्राम और भी था। एक बियत नाम की एक महिला थी, वो सिंगर थी अमेरिका में, उसका आज पुण्यानुमोदन था, वहाँ भी एक प्रोग्राम था हमारी स्वार्थी में। तो वो प्रोग्राम करने के बाद हमें ऐसा लगा कि आराम करेंगे, लेकिन सागर साहब ने बोला कि वहाँ चलना है, तो हमने कहा जरूर चलेंगे। तो आज बच्चों के बीच में, ये हमारे बच्चे क्या हैं, ये हमारे मूल हैं, ये हमारे आधार हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। ये भविष्य, ये बच्चे, इन बच्चों के द्वारा ये हमारे संस्कृति का पुनर्निर्माण होगा। बाकी तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो है ही। तो मुख्य चीज है शिक्षा, और शिक्षा पर बहुत जोर दिया है बाबा साहब ने।
हमारे टीचर जो थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्पीच दी। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे ये मोबाइल चलाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल। ऐसी कितनी बच्चियाँ जो एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, हाथ उठाइए। कितने बच्चे हैं जो बड़ा मोबाइल चलाते हैं? व्हाट्सएप का मोबाइल कितने चलाते हो? व्हाट्सएप हाथ का, व्हाट्सएप का 13 साल के लगभग, 13-14 साल दो ही चला मैं बस। अच्छा हाँ, बच्चियाँ हमारी हाथ उठाएं, कितने लोग मोबाइल चलाते हैं? चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए बेटा, मोबाइल से इस संसार की प्रत्येक विषय के बारे में सीखा जा सकता है। शिक्षा की सब तमाम PDF पड़े हैं, आप किसी की भी शिक्षा लीजिए तो सर्वप्रथम शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है। भोजन चाहे आपको मिले या ना मिले, 3 टाइम ना मिले, 1 टाइम मिलेगा भोजन, 1 टाइम भोजन करिए, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करिए। ग्रहण वो कर ली तो आप कामयाब होने के बाद ये कहो ना कि मैं 1 महीने भूखा रहा और तो कामयाब होकर दिखाया, लोग मान लेंगे, भले ही सही भूखे 1 दिन ना रहे हो। डेली खाओ और खाते जाओ और खूब मोटे ताजी हो गए हमारी तरह। उसके बाद कहो कि मैंने बहुत काम किया है और कामयाब नहीं हो पाए, तो लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कि तुमने उस समय का उपयोग नहीं किया, उस पढ़ाई का उपयोग नहीं किया। तो शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है, चाहे हमारी बेटियां हैं चाहे हमारे बच्चे हैं। तो शिक्षा स्वयं भी देना है और हमारे समाज के लोग हैं जो अपना स्कूल चला रहे हैं, जैसे हमारे शिक्षक आए हुए हैं, इनका स्कूल चलता है, तो मैं इनको यही अनुरोध करता हूँ, इनके जितने स्कूल चल रहे हैं, इनके साथियों के स्कूल चल रहे हैं, उसमें अपना एक सिलेबस जोड़ना चाहिए। वो सिलेबस बाबा साहब से रिलेटेड हो, भगवान बुद्ध से रिलेटेड हो, उसमें अपना सिलेबस एक पर्सनली तरीके से वहाँ जोड़ना चाहिए। चाहे 10th का स्कूल है, 11th का है, या ग्रेजुएट विद्यालय है, या आपका महाविद्यालय है, उसमें ये सिलेबस जोड़ना चाहिए। और सामाजिक शिक्षा, ये हमारी क्या है, सामाजिक शिक्षा हो रही, सोशल मूवमेंट, ये भी कार्यक्रम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आज हम यहाँ आए हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को भी ये कार्य दूसरे गांव में जाके करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ भी करना चाहिए, दूसरी जगह भी करना चाहिए। ये शिक्षा का प्रभाव है, इसे रोकना नहीं चाहिए, इसको बढ़ाते रहना चाहिए। बढ़ाने से क्या होगा, और बढ़ती है। तो इसी प्रकार से करियर शिक्षा, आपने हाई स्कूल कर लिया, किसी बच्चे ने, किसी ने इंटर कर लिया, किसी ने ग्रेजुएट कर लिया, उसके बाद खाली, माँ बाप भी कह रहे हैं वो वजन हो गए माँ बाप के ऊपर, कि पढ़ा रहते हो और काम भी नहीं करते हो, तो उनको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कला सीखनी चाहिए। कला का मतलब होता है जिससे अपने परिवार का पालन पोषण चले, उस प्रकार की कोई विद्या अपनाना चाहिए जिससे हमारा परिवार का खर्चा चले, आमदनी बढ़े। अगर अनपढ़ लोग भी है तो वे ड्राइवर बन सकता है, स्वीपर बन सकता है, पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा लगा सकते हैं अपना। आजकल तो मेडिकल साइंस में बहुत डिप्लोमा आ गए हैं, हमारी बेटियों के लिए बहुत खुला अवसर है। तो इसी प्रकार से एक करियर शिक्षा, एक हमारा स्वयं गाइडेंस, एक हमारा होना चाहिए जो गाइडेंस करे कि बेटा तुम्हें ये करना है, वो आपके गाँव में ही हो, आपके जिले पर हो, वो आपको गाइडेंस करे कि बेटे आपने 10वां कर लिया आपको ये करना चाहिए, आपने 12वां कर लिया, आपने ग्रेजुएट कर लिया आपको ये करना चाहिए। तो इस प्रकार की ये गाइडेंस ना मिलने की वजह से भी हमारे बच्चों का करियर जो है एक अधर में चला जाता है और बच्चे कामयाब नहीं हो पाते हैं, उनके साथ और अन्य बच्चे हैं और वो आगे निकल जाते हैं, और इन बच्चों का क्या होता है, इन बच्चों की शादियाँ बहुत जल्दी कर दी जाती हैं, शादी होने के बाद वही पुराना चक्र में पड़ गए, फिर और भी परिवार घर में चला गया। मोबाइल तो ऐसे दे रखे थे, कितने बड़े राजा आगे संगठित रहे। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, शिक्षित तो बन गए हैं काफ़ी लोग, लेकिन शिक्षित करो भी लोगों के लिए। शिक्षित करोगे तो क्या होगा, वो लोग और आगे शिक्षित करेंगे अन्य लोगों को। दूसरा बताया कि संगठित रहो, इतने तमाम ये हमारे समाज के बच्चे, समाज की बच्चियां अनेक संस्थाओं में जाएंगे, अनेक तरह के कार्यकलाप करेंगे,
तमाम नौकरियों में जाएंगे तो वो एक संगठन बन के खड़ा होगा, वो संगठन एक महाशक्ति बन के खड़ा होगा। उस महाशक्ति में जितने लोग आएंगे वो सब एक साथ में चलेंगे। सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, उस पर भी हम फतेह हासिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो हमारा संगठन है संघर्ष, साथ मिलके संघर्ष करना। कहते हैं ना एक चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलस्ता करने को, जब डाल के उल्लू अंजाम गुलस्ता क्या होगा। अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है। आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, कितने लोगों का योगदान था, सिर्फ एक व्यक्ति थे बाबा साहब, कि इकट्ठा भी नहीं होने देते थे, इकट्ठे होने पर भी पाबंदी थी। इसके पीछे और जाएंगे तो महिलाएं जो आज वस्त्र पहन के बैठी हैं, वस्त्र भी नहीं पहनने देते थे लोग। इस पर कर लगता था, टैक्स दोगे तब कपड़े पहनोगे। ये बहुत प्राचीन काल, ये केरला कर्नाटका में तो आज तक भी चल रहा है। आगे सील समाधि प्रज्ञा आधारित ये धम्म, बाबा साहब ने कभी किसी के लाठी नहीं मारी, किसी के गोली नहीं मारी, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अन्य लोग उनसे घृणा करें। हाँ एक चीज थी, वो आपका हक आपका था क्या, लोगों से छीन के आपको दे दिया, तब तो दुश्मनी हो ही जाएगी, आपका तो कुछ था ही नहीं। लोगों से छीना और आपको दिया, वो आपका अधिकार था, लोग ये दुश्मनी मान सकते हैं। इसके अलावा कभी बाबा साहब ने कोई गलत भाषण नहीं दिया, कोई गलत वस्तुएं उपयोग नहीं की। आज हमारा समाज क्या कर रहा है, ये स्वयं आकलन कीजिए। इसकी सीलों में बताया कि मन वचन कर्म बाड़ी से पवित्र होना चाहिए। हमारा समाज कितना आज शराब नहीं पीता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तो कोई पीता नहीं होगा, पीते भी हैं। 95% चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। आज की महंगाई में बेटे, आज की महंगाई बहुत चरम पर है, बहुत चरम पर है, लेकिन हमारी यह विद्या बहुत नीचे गर्त में ले जा रही है। आपको कोई निकालने वाला ईश्वर कभी पैदा नहीं होगा, ये तो बाबा साहब ने जन्म ले लिया, बोधिसत्व थे, समय के महापुरुष थे, लेकिन अब कोई जन्म नहीं लेने वाला है, आपको स्वयं ही भविष्य तय करना है। अत्ताई अत्तरो नाथो अत्ताई अत्तनो गति, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक, अपने आप का स्वयं मालिक है, जैसा करेगा तैसा उसके लिए फल विपाक मिलेगा। आज शराब पी के जा रहे हैं, कहीं टक्कर हो गई मर गए, किसका ले गए। तो ये सील के विरुद्ध कार्य किया, सील समाधि प्रज्ञा आधारित, जिसे अपनाना चाहिए आप लोगों को सभी परिवारों में। मुझे ऐसा लग रहा है दो या तीन पौओं में आ जाती होगी बुक, जी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तीन दिन मत पियो और वो बुक सबके घर में होनी चाहिए। अगली बार हम आएंगे तो पूछेंगे किन किन के घर में है। पहली बात तो प्रत्येक घर में भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये अनिवार्य है, ये रखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी हैं अध्ययन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अच्छा हमारी जो पुरानी रूप की महिलाएं हैं बेचारी बैठी हुई हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, हाथ उठाइए। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आपके समकालीन अन्य लोगों में जाएं, उनकी महिलाएं ग्रेजुएट हैं, उनकी महिलाएं बहुत आगे हैं, आपसे घृणा करती हैं, क्यों करती हैं, इसका कारण है और करना भी चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं पढ़े लिखे, क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया लोगों ने, आज क्यों नहीं पढ़ा लिखा रहे हो लोगों के लिए। ये बुद्ध ने यहाँ भी कहा है, ये तो हमारे बुद्धिस्ट कल्चर की बात है कि ये महिलाएं जो हैं हम पुरुषों की उपेक्षा अधिक दुख उठाती हैं, अधिक दुख भोगनी होती हैं, तो इनको करुणा रखना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए परिवार के लोगों को भी और अन्य लोगों को भी। तो ये एक चीज़ अलग है। तो आपको कुल मिला के आप शिक्षा नहीं ले पाए तो अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं,
और पढ़ाई ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो आज एक बहुत ही बड़ी समस्या, खैर आप लोगों के बस में भी नहीं है, जितने भी महातीर्थ स्थल हैं, बोधगया कोई गया है नहीं? अच्छा, आपके साथ आपने ऐसा देखा होगा बोधगया में या कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में, या आपका श्रावस्ती, या आपका अन्य संकिसा वगैरह जो महातीर्थ स्थल हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये बौद्ध महातीर्थ स्थल घोषित किए गए हैं, वहाँ एक टूरिस्ट का एक वो चलता है, बस, टूरिस्टर जिसे बोलते हैं, इसकी बस होती है, बस के द्वारा वो आने वाले यात्रियों के लिए घुमाते हैं, नाम के लिए भगवान बुद्ध की प्रतिमा उसमें प्रतिस्थापित कर ली जाती है, किसमें, बस में। अब वो बस वाले कौन मालिक होते हैं, वो अन्य लोग होते हैं, वो उनसे, विदेशियों से पैसा काफी पैदा कर रहे हैं। देखिए, क्या हमारे समाज के पास कोई अधिकारी नहीं है, क्या हमारे समाज के पास इतने बड़े लोग नहीं है जो उन बसों को अपनी खरीद के वहाँ टूरिस्ट प्लेस पर लगाएं और विदेशियों का जो धन है वो हमारे समाज के लिए आए। लेकिन विदेशियों को भी ये पता है कि यहाँ के ये लोग हैं, बस वाले या टूरिस्टर लोग, ये बौद्धिस्ट हैं, लेकिन वो रियल में बौद्धिस्ट नहीं है, मैंने आँखों से देखा है प्रत्येक महातीर्थ पर। तो वो उनसे पैसे डॉलरों में मिलते हैं उनके लिए, ठीक है, कोरोना की वजह से इस समय आना बंद है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ से बहुत ही बड़ी मात्रा में धन आता है, यहाँ जितने भी महातीर्थ हैं सभी विदेशी लोग यहाँ अपना एक स्थापित किए हैं मंदिर, टेंपल, सभी देशों के, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, तमाम यहाँ हैं। लेकिन क्या हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि हम विदेश में जाके कुछ बना लें, अपने घर में ही बौद्धिस्ट नहीं है, बाहर क्या बनाओगे। इस प्रकार से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बार फिर से इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रभु दयाल जी और समस्त उपासक उपासिकाएं, सभी ने हमारी बातों को अच्छे से सुना और अपना कीमती समय यहाँ दिया, सबके लिए बहुत बहुत मंगल। साधु साधु साधु, ताली नहीं पटकाते, भंते जब भी प्रवचन दें, क्या बोलते हैं, साधु, साधु।